नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। प्रदेश में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते झांसी रेल मंडल के धौलपुर मुरैना के बीच रेल पटरी के नीचे से मिट्टी खिसकने से रेलवे ट्रक धसा, तो वहीं ट्रक ड्यूटी के दौरान चाबी मैन की सजगता से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जब रेल अफसरों को इसकी जानकारी हुई तो सभी ने चाबी मैन की कर्तव्यनिष्ठा और सजगता की सराहना की। ड्यूटी के दौरान की चाबी मैन राजेंद्र कुमार ने जब ये नजारा देखा वह घबरा गया, क्योंकि इस मार्ग से लगातार ट्रेनों को निकलना था और जिस स्थान से मिट्टी बह गई थी यदि वहां ट्रेन पहुंची तो दुर्घटना होने से कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। तो वहीं रेलवे ट्रक धंसने से दोनों तरफ की ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया और जो भी ट्रेन जहां थी वहीं रोक दी गई। इसके साथ ही रेल प्रशासन द्वारा बुलेटिन जारी कर ट्रेनों के परिचालन में हुए परिवर्तन की जानकारी दी गई। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर के गोविंद सागर बांध से बांध के 18 गेटों में से 8 गेटों को 4-4 फीट खोलकर 4,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रहा है। साथ ही शहर के नदी नालों पर पुलिस की चाक चौकस व्यवस्था कर दी गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि जब भी नदी नाले उफान पर हों तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार न करें। गोविंद सागर बांध के खोले गए गेटों का नजारा देखने के लिए बांध पर हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच गए और सभी सैलानी अपने अपने मोबाइल कैमरों में बांध से बहते पानी को कैद करते नजर आए, तो कुछ सैलानी अपनी सेल्फी लेकर उसे यादगार बनाने में लगे रहे। ललितपुर में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरने से रेलवे लाइन किनारे मजदूरी कर रहे 4 मजदूर झुलसे और कई लोग घायल। चारों घायलों में अधिकांश महिला मजदूर शामिल है, जिन्हें ललितपुर के जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भिजवाया गया। ललितपुर जिले के तालबेट अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ के तालाब के अंदर एक विशालकाय मगरमच्छ आ जाने से ग्रामीण दहशत में, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दे दी गई। ललितपुर में लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहीं हाईवे की सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे हो जाने की वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। अभी विगत दिवस शहर के ललितपुर सागर हाईवे स्थित कैलंगवा चौराहे पर एक बीयर से भरा ट्रक सड़क पर गहरा गड्ढा होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया था और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया था, जिसे हाईवे की क्रेन की मदद से उठाया गया था, तब जाकर ये मार्ग सुचारू रूप से चालू हो सका था। तो वहीं भारी बारिश से शहर का कंपनी बाग पूरा जलमग्न हो गया। यहाँ पार्क में लगे फुब्बारे स्विमिंग पूल बन गए, जहाँ बच्चे इसमें तैरते दिखाई दिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में। तो वहीं अभी हाल ही में बने कर्मा बाई पार्क में भी यहाँ के ठेकेदार द्वारा पानी की निकासी को लेकर कोई ठोस कदम कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते ये पूरा पार्क जलमग्न हो गया और यहाँ मौसम के परिवर्तन को लेकर यहाँ घूमने आए सैलानियों को निराशा देखने को मिली। पूरा पार्क भारी बारिश के चलते जलमग्न देखने को मिला। ललितपुर शहर के श्री जैन अटा मंदिर में 48 दिवसीय भक्तांबर प्रशिक्षण शिविर का उच्चारणाचार्य श्री 108 विनर्म सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ संपन्न। देखिए कार्यक्रम की विशेष झलकियां ललितपुर लाइव टीवी पर।